नरेंद्र मोदी की चाय की चौपाल सजी, लेडीज स्पेशल चाय। मोदी वीडियो के जरिए एक साथ 30 देशों में लाइव थे। महिला दिवस के दिन होने वाले इस चौपाल में मोदी के साथ देश विदेश की महिलाओं ने शिरकत की। मोदी के चाय चौपाल में हर बार की तरह इस बार भी भारी भरकम हाई टेक बंदोबस्त किया गया था। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नरेंद्र मोदी की 1500 सेंटर्स में महिलाओं के सवालों के जवाब देने का सिलसिला लंदन तक पहुंचा। यहाँ पे आज का ये प्रोग्राम आई फॉर यूनिटी के यंग प्रोफेशनल ने किया है और मुझे आपसे एक बात करनी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके कि यहाँ पे हम यूके में महिलाओं को मैटरनिटी के लिए 52 वीक्स की छुट्टियाँ मिलती है, जबकि भारत में महिलाओं को ओनली 26 वीक की छुट्टियाँ। मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी अपने विचारों से अलग अलग छुट्टियाँ अलग अलग देश में देती है, भारत की महिलाओं को अलग रखती है। तो आपको मुझे ये कहना है कि ये बहुत गलत है। अगर हमें यहाँ पे 26 वीक कंपलसरी और 26 वीक बच्चों को संभालने के लिए मिलता है तो वहाँ भारत की महिलाओं को अपने लिए और अपने भविष्य को संभालने के लिए पूरी छुट्टियाँ नहीं मिलती, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? नरेंद्र मोदी से चाय पर चर्चा में लंदन के उनके सपोर्टर्स भी जुड़े थे, लेकिन यहाँ महिलाएं कम और पुरुष ज्यादा नजर आए। विमेंस डे के उपलक्ष्य में जो चाय पे चर्चा चल रही है मोदी जी की, यहाँ लंदन में सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे तो यहाँ मर्द ज्यादा नजर आ रहे हैं औरतों से ज्यादा। नहीं, लेकिन औरतों से ज्यादा मर्द क्यों हैं? That's why हम एक साथ इकट्ठा हुए। वुमन एम्पावरमेंट, वुमन में जागृति आनी चाहिए, मोर एंड मोर वुमन पॉलिटिक्स में आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और आज 5 है, कल वो 500 होगी और मर्दों से ज्यादा होगी, यही अपेक्षा के साथ हम आज इकट्ठा हुए हैं। तो मतलब उनका जी एक वन वुमन इज इक्वल टू 10 मेन, सो वी आर फाइन। एक्चुअली आपको रेस्क्यू कर लिया उन्होंने। और हमारी एक्टिविटीज उसी तरीके से प्लान होती है, हम ज्यादा से ज्यादा वुमन को इसके साथ में जोड़े। जब हमने इवेंट शुरू किया था तब 2-3 वुमन हमारे साथ थी, आज देख रहे हो कि आज 11 है और इससे भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जैसे इवेंट होती जाएगी और वुमन ज्यादा से ज्यादा जुड़ती जा रही है, लेकिन हमारी वो जिम्मेदारी है कि हम हमारे घर में जो स्त्री है, जो वुमन है, जो नारी है, उनको हमारे साथ हम लेके आए, तभी हम वुमन को बाहर ले आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि यहाँ पे सारे बीजेपी सपोर्टर्स हैं या फिर नॉन बीजेपी लोग हैं, किस तरह से ये वुमन किससे सवाल किया जाइए? Well, I'm support BJP. अच्छा, मैं नरेंद्र मोदी ऑल सपोर्टर। तो ज्यादातर यहाँ विमेन सारी जो भी सपोर्टर्स हैं वो नरेंद्र मोदी सपोर्टर्स हैं। ऑलरेडी कन्वर्टेड बीजेपी। ओके ओके, आपको चेंज चाहिए, इंडिया को अभी जरूरत है कि चेंज आए और सोच भी बदलनी चाहिए। तो आज नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है देश को, इसीलिए हम इधर लंदन में भी बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नमो जरूरी है भारत के लिए। किस तरह यहाँ वोटिंग राइट्स जो हैं वो तो लोगों को पूरी तरह से नहीं है, तो उसके बगैर किस तरह से आप लोग लंदन से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग फेसबुक पेज चलाते हैं और उसके थ्रू सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेज चलाना, ट्विटर चलाना, अकाउंट चलाना, यूट्यूब चलाना, ये सब कहीं से भी किया जा सकता है। एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट इंटरनेट कनेक्शन, यू कैन सपोर्ट, यू कैन इंक्रीज योर लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वी हैव गॉट सेवरल पेजेस दैट वी रन एंड वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी एंड वी ट्राई टू एक्सपोज ऑल द मीडिया दैट आर बायस्ड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी एज वेल। थैंक यू। और यहाँ से हजारों की संख्या में लोग इंडिया जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए, लोगों ने फ्लाइट भी बुक कर लिए और हम लोग नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए वहाँ पे एज अर्ली एज पॉसिबल वहाँ पे जाएंगे और ग्राउंड वर्क भी पे भी काम करने वाले हैं। आज का जो सवाल आपने किया, ऐसा सोचिए कि कर दिया, आज का जो सवाल वो बताएं और कहाँ से उस सवाल को किसने किया और उसका करने की वजह क्या थी? आज का जो सवाल है वो महिलाओं के लिए है, आज महिला दिन है और भारत की जो महिलाएं हैं उसके लिए हम पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और उनके सपोर्ट के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हमारे भारत देश की महिलाएं भी स्ट्रांग बने, जैसे यहाँ यूके में हम महिलाएं स्ट्रांग बन के आगे बढ़ रही है, वैसे ही उनको भी सब सुविधाएँ मिले, इसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और उनके लिए हम लड़ रहे हैं।
वुमेन को जो भारत में है ना वो पूरा अधिकार नहीं मिलता है. आप देख रहे हैं दिल्ली में भी कितना जो बलात्कार हुआ उसमें भी वुमेन को कोई नहीं मिला, सेफ नहीं है आजकल वुमेन इंडिया में. ज़्यादातर हम देखते हैं टीवी में देखते हैं, हमारे मीडिया, मैं भी मीडिया में से हूँ, तो हम रोज़ सुनते हैं कि आज बलात्कार इधर हुआ इधर हुआ. तो इंडिया में सरकार कुछ नहीं कर रही है आजकल कि क्या प्रॉब्लम है. इसीलिए वुमेन को ही आगे आना चाहिए और वुमेन को ही स्ट्रांग बनना चाहिए, जैसे कि इधर हम हैं. तो इधर से हम प्रचार करेंगे नरेंद्र मोदी के लिए, वो कुछ कर सकेंगे क्योंकि आजकल जो कांग्रेस है कुछ भी किया नहीं है. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ ये थे सारे बीजेपी सपोर्टर्स जो चाय पे चर्चा पे लंदन से जुड़ने वाले हैं. सभी लोग बीजेपी सपोर्टर्स हैं, महिलाएं जरा कम है लेकिन कहती हैं मर्दों पर हावी है. और मोदी का अब तक का पूरा चुनाव प्रचार समाज के हर तबके तक उनकी बात पहुंचाने को लेकर प्लान किया गया है. वो बारी बारी से अपना टारगेट दर्शक तलाशते हैं, फिर अपनी बात हाईटेक तरीके से उस तक पहुंचाते हैं. एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चाय पे चर्चा में लंदन के सपोर्टर्स भी बीजेपी के जुड़े. लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ चाय तक ही सीमित नहीं है. यहाँ बहुत से सपोर्टर्स अपने NRI वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए भारत भी पहुँचने वाले हैं. लवीना टंडन, आज तक लंदन.